मंडलेश्वर केंद्रीय रिजर्व पुलिस और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर में मार्च पास्ट किया। पुलिस का मार्च थाना परिसर से शुरू होकर स्कूल मैदान, वाचनालय, बाल मंदिर, झंडा चौक, एमजी रोड पर बस स्टैंड होकर बड़वा रोड पर समाप्त हुआ, जिसमें कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, एसडीएम अनिल जैन, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मनोहर सिंह गौली, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट भारतेंदु सिंह चौहान, टीआई इंद्रेश त्रिपाठी, महेश्वर टीआई पंकज तिवारी शामिल हुआ। अधिकारियों ने नगर के मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि जिले में सभी आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। जनता में विश्वास कायम रखने के लिए पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन भी तैनात रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जनता से अपील की है कि निर्भीक होकर हर व्यक्ति मतदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आपको आपने अभी आज एसपी साहब के साथ में और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, चूपी साहब और एसपी साहब और बाकी के साथ में हम लोगों ने आज का भ्रमण किया था। इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये हमारा उद्देश्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार एसपी साहब हम भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ मंडलेश्वर आए थे। यहाँ के पोलिंग स्टेशन के भी कुछ पोलिंग स्टेशन का भी भ्रमण किया गया और जो रूट है उसको भी चेक किया गया है। उद्देश्य सिर्फ यही है और आपके माध्यम से मैं यहाँ की जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आचार संहिता लागू है और आचार संहिता का पालन करें। जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश है उनके तहत अपनी गतिविधियाँ करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान, हमारा तो उद्देश्य रहेगा कि 100% मतदान जो है वो यहाँ आके करें, जो पोलिंग स्टेशंस निर्धारित पोलिंग स्टेशन है उसमें करें। लेकिन सिर्फ यही है कि आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से करें और जो भी शांतिपूर्ण व्यवस्था में दखल पैदा करेगा वो चिन्हित होंगे और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। ऐसे सर, एसपी साहब से सर, ऐसे कुछ लोग हैं क्या आपकी नज़र में यहाँ पर मैसूर तहसील में? देखिए, लगातार जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं सर और जिन्होंने पुराने इलेक्शन में व्यवधान पैदा किया है उनके अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई हो रही है। उनके दिलावदर के केसेस भी हो रहे हैं और बाकी बाउंड रोड बड़ी संख्या में कराया गया है सर। तो सारे क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोग हमारी निगरानी में हैं और लगातार निगरानी में रहेंगे। अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हुई हैं उनके साथ हम लोग ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा क्रिमिनल एलिमेंट ज़्यादा हैं और जहाँ शिकायतें मिल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।